दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ब्रीड से परिचय करवाना चाहता हूं जो कि राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ गॉट ब्रीड्स में गिनी जाती है। सिर्फ मैं मेरे अपने हिसाब से बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि कौन सी बेस्ट है। मुझे जो बेस्ट लगी, मैं खुद राजस्थान से हूँ और मुझे जो यहाँ की बेस्ट लगती है वो दो नस्लें बहुत ही अच्छी लगती है जो कि हर दृष्टि से बहुत ही शानदार है और उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। हम जब भी बकरी पालन की ट्रेनिंग देते हैं तो उस ट्रेनिंग में ये ज़रूर मेंशन होता है कि आप इन्हीं बकरियों पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। और हमारी ट्रेनिंग हर महीने की 1 तारीख से शुरू होती है और 1 महीने तक आप कंप्लीट नॉलेज लेते हैं। तो ये जो है पहली सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, और वो है हमारी सिरोही नस्ल। नाम से ही लग रहा है कि ये सिरोही जिले से रिलेटेड है। ये बहुत ही अच्छी नस्ल है और मांस के लिए और दूध के लिए दोनों के लिए पाली जाती है, यानी ड्यूल पर्पज है। ये बहुत अच्छी है और जो भी नस्ल में सुधार करना चाहते हैं और नस्ल सुधार पे काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति जो नस्ल सुधार पे काम कर रहे हैं वो मांस के लिए यानी कि अपनी जो ब्रीड है उसका वज़न बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वज़न में और दूध में दोनों ही ये शानदार है, ड्यूल पर्पज है और राजस्थान में बकरियों की शान है। इसके अलावा दूसरी जिस ब्रीड का नाम हम लेते हैं वो ब्रीड है फ्रेंड सोजत। आप देख रहे हैं कितनी प्यारी, जो प्योर वाइट जब सोजत मिलती है, यहाँ इसमें थोड़ा सा स्पॉट आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन प्योर वाइट जो सोजत होती है उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि ये दूध में कुछ खास नहीं है लेकिन मांस पर्पज के लिए इसे पाला जाता है। सिरोही नस्ल जो कि सिरोही ज़िले से रिलेटेड है, उसकी उत्पत्ति वहाँ पर है, तो ये ज़्यादातर हमारे जोधपुर एरिया में पिपाड सिटी के आसपास जो है वहाँ पर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और आजकल इसकी डिमांड पूरे भारतवर्ष में बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसका जो मांस है वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट माना जाता है, त्योहारों पर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए जो भी गॉट फार्मर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रुझान इसके ऊपर कर रहे हैं कि अच्छी इनकम इसकी मिल जाती है। इसके अलावा दोनों ही नस्लें बहुत ही शानदार है, ऐसा नहीं है कि सिरोही कम है और सोजत ज़्यादा है, नहीं, दोनों ही अपनी अपनी जगह शानदार है और बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। जो भी गॉट फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो आप 1 तारीख से ट्रेनिंग शुरू होती है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लें और इन दोनों ब्रीड्स पर आप अच्छा काम करें। ट्रेनिंग हम देंगे, कंप्लीट जानकारियां आपको हम देंगे, 0 से लेकर के 100 तक बकरी पालन हम आपको सिखाएंगे। बस राजस्थान की इन दोनों ब्रीड्स को आप अगर लेकर के काम करेंगे तो फिर देखना बहुत ही शानदार रहेगा। हालांकि हम हमारी ट्रेनिंग में कोई इन्हीं ब्रीड पर काम नहीं करवाते हैं, हम तो ऑल ओवर आपकी जो लोकल ब्रीड्स है उसको कैसे तैयार करेंगे, किस तरीके से आप उनका रखरखाव करेंगे, शेड मैनेजमेंट, इलाज कैसे करेंगे, ये सारी बातें करवाई जाती है। तो फिलहाल आपने पूछा था, कई लोगों ने कमेंट किया था कि राजस्थान की सबसे अच्छी नस्लें कौन सी है, तो यही दो नस्लें मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।